तो भाइयों क्षत्रियों के साथ हमेशा से धक्का होता आया है। तो भाइयों मारवाड़ के सबसे बड़ा महाराजा, जिनके राज्य में सिर्फ जोधपुर ही नहीं, इसके अलावा बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली और भी बहुत सारे इलाके आते थे। तो भाइयों महाराजा उमेद सिंह ने ही जोधपुर एयरपोर्ट की स्थापना की थी, लेकिन आज वक्त ये आ गया है कि जिसने उसकी स्थापना की उनके नाम से एयरपोर्ट का नाम नहीं रखा जा रहा। देख लो क्षत्रियों का कितना बड़ा अपमान हो रहा है। और 1947 के बाद जिन्होंने एयरपोर्ट की स्थापना भी नहीं की उनके नाम से एयरपोर्टों के नाम रखे जाते हैं, लेकिन जिस महाराजा ने, जिस मारवाड़ के महाराजा ने एयरपोर्ट की स्थापना की उनके नाम से एयरपोर्ट का नाम नहीं रखा जा रहा। आज महाराजा उमेद सिंह की जयंती है, आप सभी का फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो वायरल हो जाए और सरकार के नुमाइंदों तक पहुँचे कि जिन्होंने एयरपोर्ट की स्थापना की उनके नाम पर तुम, महाराजा उमेद सिंह के नाम पर तुम एयरपोर्ट का नाम क्यों नहीं रखते, मारवाड़ के एयरपोर्ट का नाम आप क्यों नहीं रखते। तो सभी भाई इस वीडियो को शेयर करें। तो भाइयों महाराजा उमेद सिंह ही वही महाराजा थे जिन्होंने मारवाड़ में इतनी तरक्की लाई। जब जहां पर बाढ़ आ गई थी तो किसी ने कहा कि आप और जो आपकी महारानी बटियानी जी हैं वो हल चलाए तो जहां पर पानी आ जाएगा, तो उन्होंने हल चलाया और वहां पर पानी आ गया और सूखा ही ख़त्म हो गया। उन्होंने उमेद सिंह भवन पैलेस, जो सबसे बड़ा खूबसूरत पैलेस है राजस्थान का, वो भी उन्होंने बनवाया। उन्होंने कितने बड़े कॉलेज, स्कूल, बहुत कुछ बनवाया उन्होंने, और आखिर में क्षत्रियों ने रियासत दान की, लेकिन फिर भी महाराजा उमेद सिंह के नाम पर, महाराजा उमेद सिंह राठौर जी के नाम पर जोधपुर एयरपोर्ट का नाम अभी तक नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, जब बनवाया ही उन्होंने, जब उन्होंने बनवा दिया तो उनका नाम पर एयरपोर्ट का नाम क्यों नहीं दिया गया।